भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने बुधवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी के विद्यार्थियों को करियर से संबंधित जरूरी टिप्स दिए। इस दौरान स्कूली बच्चों ने विषय विशेषज्ञों से अपनी शंकाओं को साझा किया और उनसे समाधान जानने का प्रयास किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सौजन्य से करियर काउंसिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर ICAI की प्रदेश शाखा के अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश वर्मा और गेस्ट फैकल्टी CA राजेश सक्सेना ने 9वीं से जमा 2 तक के कॉमर्स के विद्यार्थियों को भविष्य से संबंधित जरूरी टिप्स दिए। CA योगेश वर्मा ने बताया कि किस तरह से कॉमर्स में बच्चे हर क्षेत्र में अपना कैरियर चुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई भूमिका ना हो। करियर काउंसिल के दौरान बच्चों ने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने भविष्य के बारे में आए एक्सपर्ट से जानी। चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश वर्मा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में शिमला, दारलाघाट, ऊना और कई अन्य क्षेत्रों में इससे पहले आयोजित किए जा चुके हैं। ये हमारा जो है करियर काउंसलिंग कार्यक्रम है, हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी पहल है। मैं इसको मानूंगा कि +1, +2 और 9th-10th के बच्चों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि आपने 9th-10th के बाद कौन सी स्ट्रीम पढ़नी है। आप अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखें, ना कि अपने मित्रों को देखें या किसी औरों को देखें, अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है अपना स्ट्रीम चुनें। और जो +1, +2 कॉमर्स वाले हैं उनको हम स्पेसिफिकली एज ए CA एज ए करियर के बारे में यहाँ पे बताने आए हैं। +1, +2 के बाद जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए ड्रीम ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट। जिस प्रकार से हमारा नॉन मेडिकल में बच्चों का ड्रीम होता है टू बी ए IIT इंजीनियर, मेडिकल में ड्रीम होता है टू बी ए डॉक्टर, तो इन द सेम वे सर कॉमर्स में टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द ड्रीम ऑफ एवरी कॉमर्स स्टूडेंट। तो आज हम बता रहे हैं कि आपको CA बनने के लिए क्या क्या हमारा जो है एलिजिबिलिटी रहती है, आफ्टर प्लस टू कैसे आप इसमें एंट्री पा सकते हैं, आफ्टर BCom कैसे पा सकते हैं, इसमें कितने एग्जाम होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बच्चों से बातचीत आज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।